ये इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले एक बाउल चाहिए, उसमें हमने हाफ कप शुगर ऐड की है, साबुत ही कोई पीसी चीनी यूज़ नहीं की इसमें, और एक कप हमने दूध ऐड कर दिया। उसके बाद हमने 1.5 कप दही ऐड करना है और दही ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको इसमें कोई भी बीटर की भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको ओवन की भी ज़रूरत नहीं। 1.5 कप और हमने दही ऐड कर दिया, मतलब 1 कप ही हमने दूध और 1 कप को मिक्स कर लेंगे। अगर मैदा आपने छान लिया होगा सेपरेटली तो फिर भी आपको ये स्टेप करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से 3 मरतबा हमने इसे छानना ही होता है ताकि जो एक्सेस चीज़ें वो सारी निकल जाए और हमारा जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है मैदे के साथ वो अच्छे से एक दूसरे के साथ यकजान हो जाए। अब जो हमने पहले लिक्विड इंग्रेडिएंट्स रेडी किए हुए थे उसके अंदर हमने ये ऐड कर देना है मैदे वाला मिक्सचर, और अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है ताकि कोई भी गुठली या कोई भी लम्स ना बने। और आपके सामने ना कोई अंडा यूज़ हुआ है, ना कोई बीटर यूज़ हुआ है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं हुई, हाथों की मदद से और घरेलू चीज़ों की मदद से। 1.5 कप हम इसमें मेल्टेड घी ऐड कर देंगे, गर्मियों में वैसे भी घी मेल्ट हुआ होता है। और अच्छे तरीके से आपने इसको फिर से मिक्स करना है व्हिस्क की मदद से, अपनी मर्जी है आपकी। अगर आप देसी घी ऐड करना चाहें, मक्खन ऐड करना चाहें, नॉर्मल बनस्पति घी ऐड करना चाहें, आप अपनी मर्जी है। और यहाँ पर हमने फूड कलर वनीला एसेंस ऐड कर दिया है और ग्रीन कलर 1 टीस्पून ऐड, 1/2 टीस्पून ऐड किया है, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका कलर हमने जी हमारा बीटर यूज़ हो रहा है, ना ओवन यूज़ हो रहा है, ना हमने इसमें कोई एग यूज़ किया है। जिन लोगों को एग खाने में उसकी स्मेल से मसला होता है तो आप लोग इस तरीके से केक बनाएं और खाएं। अब देखें हमने इसमें येलो कलर ऐड कर दिया और देखें कितना प्यारा हमारा गोल्डन कलर आ गया है। हमने गोल्डन कलर का केक बनाना था तो इस वजह से ये देखें कितना प्यारा कलर आया माशाल्लाह से। और 3 कलर स्कीम्स ऐड की हैं तो फिर ये कलर आपके सामने कितना प्यारा सा आया है, इसको भी आपने माइंड में रखना है। अब हमने सांचा रेडी किया हुआ था, घी लगा के चारों तरफ सांचे के और मैदा डस्ट कर दिया अच्छे तरीके से और सांचा रेडी हो गया। जिनके पास बटर पेपर नहीं है वो इस तरीके से टाइमिंग कुकिंग की। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।